नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकी सेन और आप देख रहे हैं रानी गांव बॉयज यूट्यूब चैनल। आपको पता ही है, पिछले दो साल से पूरा संसार एक महामारी की वजह से खतरे में पड़ा हुआ है। कोरोना वायरस की वजह से लोगों के घर परिवार उजड़ गए हैं। इसको फिर भी लोग एक तुच्छ मानकर अपनी वही दिनचर्या दोहरा रहे हैं। सभी सरकार, सभी डॉक्टर, सभी हाथ जोड़ के अभी सोशल मीडिया पर यही आ रहा है कि अपने घर में रहो, सेफ रहोगे आप, अपने परिवार और अपने समाज सभी को बचा सकते हो अगर आप घर में रहोगे। पिछली बार कोरोना वायरस 2020 के अंदर आया था, उस समय कोरोना वायरस जब नया नया आया था, लोगों में डर था, लोग घर पे रहे। इस वजह से 2020 की एंडिंग तक लगभग पूरे संसार के अंदर कोरोना का मतलब बहुत 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 ही कम केस आने लग गए थे। लेकिन फिर जब ये वापस मार्च आया, पिछली साल भी इंडिया के अंदर मार्च के अंदर आया था, और जब ये मार्च आया इसमें दोबारा कोरोना के गिने चुने 10, 15 या 20 दिन के अंदर इतनी हालत ख़राब हो गई कि एक ही स्टेट महाराष्ट्र जैसा स्टेट, जो जिसके अंदर मुंबई जैसा बहुत बड़ा शहर है इंडिया का, उसके अंदर दिन की हज़ार हज़ार मौतें हो रही है। ये कोई कम बात नहीं है, 60-70 हज़ार लोग पॉजिटिव आ रहे हैं। इस चीज़ को थोड़ा समझें, अपने समाज देश के लिए सबकी रक्षा करना अब आपके हाथ में है। अपने राजस्थान के सीएम श्रीमान अशोक गहलोत जी ने भी अभी कल परसों लाइव आके बोला था कि अभी हमारे पास इतने संसाधन नहीं है कि हम सभी जनता को एक एक के पास पहुंच कर ये चीज़ बताएं। मैं यही बताना चाह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने कहा कि मैं मेरी पूरा बजट, पूरी सरकार का बजट भी लगा दूँ तो भी मैं कोरोना पर विजय नहीं पा सकता अकेला, क्योंकि जब तक जनता जनार्दन, जब तक अपने राज्य की जनता साथ नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, पिछले काफ़ी दिनों से डॉक्टर्स का भी वीडियो आ रहा है, हाथ जोड़ के कह रहे हैं हमारी हालत ख़राब हो गई है, दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं, और लोग जिस प्रकार से जिनकी लोगों की कोरोना की वजह से डेथ हो रही है उसको देखते हुए हमारे हाथ कांप रहे हैं काम करते हुए। तो इस चीज़ को आप थोड़ा सीरियस लें, और आप सीरियस लोग हैं तो उन सभी भामाशाहों का भी धन्यवाद है जो लोग इस कोरोना महामारी के अंदर जनता का जो सहयोग करे, सपोर्ट करे, जिस भी प्रकार से हो, ऑक्सीजन हो, कोई भी वेंटिलेटर वगैरह जो भी अपनी तरफ से सरकार को सहायता करें, जनता की हेल्प करें, उन सभी का धन्यवाद। अभी बाड़मेर से कल वीडियो आया है, बाड़मेर में पूर्ण तरह से लॉकडाउन लग गया है, फिर भी लोग इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं। पुलिस लोगों को भगा रही है, एक साथ मत हो, दूर दूर रहो, मास्क लगा के रहो, लॉकडाउन लग गया है, आपको ज़रूरी सामान है जो ऑनलाइन आप मंगवा सकते हो, अभी लगभग हर स्टेट के अंदर ऑनलाइन की सुविधा है, आपको होम डिलीवरी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी नहीं हो कि बहुत ही ज़रूरी है तो आप लोग बाहर आएँ और अपना ज़रूरी काम पूरा करके वापस अपने घरों के अंदर रहें। अभी ये 2-3 महीने के अंदर कोरोना का पिछली बार की तरह जब सर्दी का मौसम आएगा उस समय कोरोना फिर भी धीमी गति में हो जाएगा। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखें, लेकिन लोग उस बात को नहीं समझ रहे हैं। आप सभी से पुनः हाथ जुड़ कर यही निवेदन है कि इस कोरोना महामारी को सभी साथ में मिलकर लड़ें, इस कोरोना को हमेशा के लिए इस संसार से भगा दें। वो सिर्फ एक वजह से हो सकता है, जब आप अपने घर में रहकर सुरक्षित रहोगे और सभी लोगों का, सरकार का सपोर्ट करोगे। धन्यवाद दोस्तों।